नमस्कार मित्रों, आप सभी का ओम डिजिटल स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। राजस्थान में जो 50 और 53 जिलों के संबंध में आप लोगों के प्रतियोगी परीक्षाओं के मन में काफ़ी असमंजस की स्थिति है कि अभी हम तैयारी करें, 50 जिलों की अकॉर्डिंग करें, 53 जिलों की अकॉर्डिंग करें, नए जो 3 जिलों की घोषणा हुई है उनकी फाइनली जो अप्रूवल है वो हो गई है या नहीं हुई है, तो क्या कुछ सिचुएशन है, इस पर आज मैं एक क्लियरली ऑथेंटिक अपडेट के साथ में है वो आपके साथ में हम डिस्कस करेंगे ताकि ये आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो और आप एक अच्छी तरीके से तैयारी कर सकें। तो इस संबंध में राजस्थान के एक विधानसभा सदस्य के द्वारा ऐसा ही सवाल राजस्थान के सरकार से, राजस्थान के मंत्री से है वो विधानसभा पर पूछा गया था। सवाल ये है कि क्या यह सही है कि पूर्ववर्ती सरकार द्वारा दिनांक 6 अक्टूबर 2023 को प्रदेश में 3 नए जिले मालपुरा, कुचामन और सुजानगढ़ बनाने की घोषणा की गई थी। यदि हाँ तो क्या उक्त जिलों की अब तक अधिसूचना जारी नहीं की गई है, विवरण सदन की मेज पर है वो रखे। तो पहला सवाल तो ये था कि पूर्ववर्ती सरकार ने 3 नए जिलों की घोषणा की है या नहीं की है, और की है तो उसकी अधिसूचना जारी की है या नहीं की है। दूसरा सवाल ये पूछा गया है कि क्या उक्त जिलों की अधिसूचना जारी कर उक्त का सीमांकन करवाने का विचार रखती है या नहीं, यदि हाँ तो कब तक और नहीं तो विवरण सदन की मेज पर रखें। जिलों की घोषणा कर दी, अब घोषणा की अधिसूचना जारी करके उसकी सीमांकन इत्यादि है उसकी क्या प्रोसीडर सरकार है, सरकार की मंशा क्या है इन जिलों के संबंध में, तो ये विधानसभा के सदस्य के द्वारा पूछा गया है। इसका जवाब मौखिक रूप से ये तारांकित स्टार्ड क्वेश्चंस हैं। आपको पता होगा विधानसभा में 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तारांकित, अतारांकित और अल्प सूचना पत्र प्रश्न। जो तारांकित प्रश्न होते हैं उनको उनका जवाब है वो मौखिकली देना पड़ता है मंत्री को। तो मंत्री ने जो जवाब दिया इसका वो दिया है 24 जनवरी 2024 को, राजस्व मंत्री के द्वारा इसका जवाब दिया है। तो जवाब में क्या कहा है वो मैं आपको सुनाता हूँ, आप इस जवाब को है वो सुनिए तो आपको पता चल पाएगा और उसके बाद में हम आगामी चीजों पर है वो डिस्कस करेंगे। बोलो आप, बोलो ना आप। 2023 को मालपुरा, सुजानगढ़ व कुचामन सिक्की को नवीन जिला बनाने की घोषणा की गई। इस संबंध में मंत्री उत्तर दे रहा है, क्रमांक 250/223 बहुत ज्यादा है, 2023 के द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई तथा इन जिलों का क्षेत्राधिकार निर्धारण कर राज्य सरकार को अनुशंसा प्रदान करने हेतु उच्च स्तरीय समिति को निर्देशित किया गया। मंत्रिमंडल आज्ञा की प्रति परिशिष्ट 1 पर सलिख ने इस संबंध में उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसा प्राप्त नहीं होने से राजस्व विभाग द्वारा घोषित जिलों के संबंध में अधिसूचना जारी नहीं की गई है। उक्त घोषित जिलों के गठन सीमांकन करने अथवा नहीं के संबंध में उच्च स्तर पर विचार विमर्श किया जाने उपरांत ही निर्णय लिया जाना संभव है। प्रशासनिक सुधार विभाग के मंत्री जी बोल रहे हैं, दिनांक 17/12/2023 के अनुसरण में आप अपने सवाल अपने सवाल है सर, राजस्थान 1/222 दिनांक 18/12/2023 द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति को समाप्त किया जा चुका है। अध्यक्ष जी मेरा सवाल है। हाँ बोलिए। उक्त घोषित जिलों का गठन एवं सीमांकन करने के बारे में उच्च स्तरीय विचार विमर्श के बाद किया जाएगा, मेरा सरकार से अनुरोध है विचार करें। मेरी विधानसभा में देवली है, मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि देवली को भी जिला बनाने पे विचार करें। धन्यवाद। मंत्री जी जवाब दें, देवली के लिए देवली को जिला बनाएंगे या नहीं बनाएंगे? उच्च स्तरीय जो समिति बनाई थी उसको भंग कर दिया गया है, नए जिलों के संबंध में अभी तक कोई विचार नहीं है। जब तो ये मेनली बात थी नए जिलों के संबंध में, तो आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि नए जिलों के संबंध में सरकार का क्या स्पष्टीकरण है। ये फिलहाल 24 जनवरी को ही इस प्रश्न का जवाब है वो विधानसभा में दिया गया था, यानी कि जो जिलों की केवल घोषणा ही की गई थी पहले जो 3 जिले की,
50 जिले हैं वो तो अधिसूचना उसकी जारी हो गई, वो तो कंप्लीट हो गए, वो तो आपकी लोहे की लकीर है, ठीक है, वो तो है ही, 50 तो है ही, लेकिन 3 जिलों की घोषणा जाते जाते की थी, तो वो जो घोषणा है केवल घोषणा ही रह गई है, घोषणा की तिथि है वो आप लोग याद रखेंगे करंट अफेयर्स के प्रोस्पेक्टिव से, बाकी उस घोषणा के बाद में उस जिलों को फाइनली उच्च स्तरीय जो रामलुबाया समिति बनाई गई थी उस समिति का उस पर है वो स्पष्टीकरण चाहिए होता था, और समिति के स्पष्टीकरण के बाद में उस जिलों का फाइनली गजट में नोटिफिकेशन होना था राजस्व मंत्रालय के तहत, वो नोटिफिकेशन है वो गजट में जारी नहीं हुआ। और जैसे ही नई सरकार जो आई और इस सरकार ने पहले की जो जिलों के लिए जो समिति का गठन किया गया था रामलुबाया समिति, और उस रामलुबाया समिति का कार्यकाल भी राजस्थान सरकार के द्वारा है वो बढ़ा दिया गया था, जिसका आप यहाँ पर है वो देख सकते हैं, यानी कि 5 सितंबर 2023 को इस समिति का अंतिम बार कार्यकाल है वो बढ़ा करके 13 मार्च 2024 तक है वो किया गया था, कि आगे वाले जिलों के संबंध में इसका पुनर्गठन किया जाए, पहले वाले जो जिले हैं उनका सीमांकन में कुछ तहसीलें इत्यादि के संबंध में जो विवाद थे, इसके अलावा कुछ जो नए जिलों की घोषणा है उन पर भी वो चर्चा करते, लेकिन इस समिति को है वो 17 दिसंबर 2023 को समाप्त हेतु है वो आपका क्या किया था, इन्होंने अधिसूचना है वो जारी कर दी गई है और तुरंत प्रभाव से समाप्त कर दिया था, और ये इन्होंने 18 दिसंबर 2023 को क्या किया था, इसके लिए आपका आदेश जारी किया था राजस्व विभाग के द्वारा, राजस्थान सरकार के द्वारा। तो अभी नए जिलों के संबंध में ना तो कोई समिति है और ना ही पहले वाले जो 3 जिले हैं उसके संबंध में जिला बनने के कुछ चांसेस हैं। तो अभी जो आप लोग तैयारी करेंगे या तैयारी कर रहे हैं वो 50 जिलों के अकॉर्डिंग ही करें, 53 जिले 3 जिले केवल आपको ध्यान में रखना है कि इसका आदेश कब हुआ, 6 अक्टूबर को इसकी जो आपकी जो घोषणा है वो आपको तिथि है वो याद रखनी है, ठीक है, 6 अक्टूबर 2023 को इसकी है वो घोषणा की गई थी, ठीक है, और सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई 7 अक्टूबर 2023 को, लेकिन अधिसूचना इसकी जारी नहीं की गई है, ठीक है। तो अभी फिलहाल 50 जिले हैं, इसके अकॉर्डिंग आप लोगों को तैयारी करनी है, 3 जिले हैं अभी तक है वो बने नहीं हैं, और आगे कब बनेंगे तो आगे आप ये मान करके चलिए कि लोकसभा जो इलेक्शन होने हैं उस लोकसभा इलेक्शन तक ये सरकार इन जिलों को छेड़ेगी ही नहीं, क्योंकि अगर बनाएंगे या बिगाड़ेंगे तो दोनों ओर से इनको नुकसान ही नुकसान होना है, क्योंकि पिछली सरकार को भी जो जिले बनाए थे उसमें से बहुत से 18 से ज़्यादा जिलों में उनको हार का सामना करना पड़ा उन विधानसभा क्षेत्र में। इसलिए नए जिलों के संबंध में अभी लोकसभा चुनाव उनको जीतने हैं, तो लोकसभा चुनाव तक इलेक्शन तक कुछ नहीं होगा, और आप मान करके चलिए आपकी 2024 की जितनी भी जो वैकेंसीज है वो 50 जिलों के अकॉर्डिंग ही आपकी होनी है, और बाकी 2025 में जब तक आप सरकारी नौकरी लग जाएंगे तो इसमें आपको ज़्यादा कोई हेडेक लेने की आवश्यकता नहीं है, अभी 50 जिलों के अकॉर्डिंग आप तैयारी करें। दूसरी आपकी रहती है कि हम तैयारी कैसे करें, 50 जिलों के अकॉर्डिंग हमें कैसे क्या पढ़ना चाहिए, कैसे सवाल पूछे जाएंगे, तो इसके लिए हमने ओम डिजिटल स्टडी लर्निंग एप्लीकेशन पर कोर्सेज स्टार्ट किए हुए हैं, राजस्थान हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर राजस्थान ज्योग्राफी के कंप्लीट यहाँ पर आपके कोर्सेज चल रहे हैं, बैचेज चल रहे हैं, आप JN की तैयारी कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हैं, या सांख्यिकी अधिकारी की, या रीट की, लाइब्रेरियन की, पशु परिचर की, तो इसके लिए डेडिकेटेडली बैच है वो चल रहे हैं जिसमें कम्प्लीटली हम 50 जिलों के अकॉर्डिंग है वो आपको तैयारी करवा रहे हैं। बहुत से मोबाइल एप्लीकेशन पर फ्री वीडियोज़ भी अवेलेबल है जो डेमो के रूप में, तो उन वीडियोज़ को भी आप देख सकते हैं ताकि आपको तसल्ली हो जाएगी कैसे क्या पढ़ना चाहिए। दूसरी बात है कि इसमें आपको बहुत से परिवर्तन है वो देखने को मिलेंगे, किस संबंध में कि जो नए जिले हैं आपके इसमें, क्योंकि भूगोल पूरा ही आपका बदल गया, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जैसे वन स्थिति रिपोर्ट है, पशुधन रिपोर्ट है, तो ये जो रिपोर्ट है वर्षा से संबंधित है, मानसून से संबंधित है, तो ये जो पहले की रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग जब तक सरकार के ऑफिशियल डेटा नहीं आते हैं तब तक तो वही आपको पढ़ना है, और जैसे ही 50 जिलों के अकॉर्डिंग आने लग जाए डेटा तभी आप नए के अकॉर्डिंग पढ़ें। लेकिन फिलहाल जो नदियां कहां से क्या बहती हैं उनका काफ़ी चेंज हो गया है, भौतिक प्रदेश में बहुत सी आपकी अरावली की पहाड़ियां पड़ेंगे तो वो इधर उधर हो गई है, काफ़ी चीज़ें हैं वो बदल गई है, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे तो जैसे वन्य जीव अभयारण्य है, कंजर्वेशन जो रिजर्व इत्यादि है, तो उनका भी आपका चेंजेज है वो काफ़ी हो गया है, अलग अलग जिलों के अकॉर्डिंग आपको है वो पढ़ने होंगे।
तो वो सारी चीज़ें हैं वो आपके अगर निकट भविष्य में 2-3 महीने बाद में कोई भी एग्जाम है तो उसमें निश्चित रूप से ऐसे आपको सवाल देखने को मिलेंगे। और बाकी इस पर आप डेडिकेटेडली वीडियो चाहते हैं कि किस प्रकार से सवाल आएंगे, पर्टिकुलर आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए उसकी, तो इस पर मैं एक अलग से डेडिकेटेडली वीडियो भी बना दूंगा। ये वीडियो आपके केवल ये चीज़ क्लियर करने का लिए है कि 50 जिले या 53 जिले इस संबंध में काफ़ी आपकी क्वेरीज आ रही थी तो उसी को लेकर है। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे आपको 50 जिले करें या 53 जिले करें, और भी आपके कोई डाउट हो करें तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी को गणतंत्र दिवस के इस पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। और इस अवसर पर कल तक हमारे सभी कोर्सेज और टेस्ट सीरीज पर 75% तक का महाबचत ऑफर भी है, वो चल रहा है। तो इस विशेष ऑफर का आप हिस्सा जरूर बने, नाम मात्र के शुल्क के साथ में नवीन अपडेटेड आप टेस्ट सीरीज और कोर्सेज का हिस्सा जरूर बन सकते हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत धन्यवाद।